डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ये देखना चाहेंगे कि अगर ये हमारा एक्सप्रेशन इस तरह का रहे, जैसे लिनियर और क्वाड्रेटिक मिला के, या क्वाड्रेटिक रहे, तो अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे। लिनियर के लिए तो ए बाय बी बाय सी बाय करेंगे, यानी ये जैसे लिनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो लिनियर के लिए ए बाय एस माइनस वन, और अगर और लीनियर वेक्टर होता तो b बाय एस माइनस टू या s माइनस थ्री जो है फिर। लेकिन क्वाड्रेटिक अगर है तो उसके लिए हमारा होगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन्स बी एस प्लस सी स्टाइल में इस तरह का हम लोग को लिखना होगा। बी एस प्लस सी माने ये क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हम लोग लीनियर में लिखेंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर है तो ये जीरो डिग्री वाला यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय लीनियर होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास ये देखना है कि a बाय एस माइनस वन बी एस प्लस सी बाय एस स्क्वायर वहां प्लस टू एस प्लस फाइव, जहां पर a का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, s माइनस वन फैक्टर को हटा देंगे और ये जीरो बनता है s स्क्वायर टू वन में, तो वेर ए का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि एस इक्वल टू वन बैठा देंगे, यानी फाइव इंटू वन प्लस थ्री बाय वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस फाइव, यानी हो जाएगा थ्री फाइव एट बाय टू प्लस फाइव सेवन प्लस वन एट वन, यानी ए हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन बी एस प्लस सी को निकालने के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को, इसका जो गिवन एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स एस माइनस वन होल इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, इस डिनोमिनेटर से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। वी है 5s प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू ए की जगह तो वन है, ए इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, और बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस वन। और यहां पर हम देख रहे हैं ए इक्वल टू तो वन है, हमको चाहिए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू वन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका टू वन निकल चुका है, तो बी और एस सी निकालना है। तो यहाँ पर बी और सी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते हैं, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या होगा ना, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर जीरो है, इधर ए एस स्क्वायर माने ए है, इधर होगा बी एस स्क्वायर यानी बी होगा बी एस स्क्वायर माइनस बी एस माइनस प्लस सी एस माइनस सी, यानी बी एस स्क्वायर एक ही टर्म है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी बी इज इक्वल टू निकल गया माइनस ए, जहां पर ए का वैल्यू वन है यानी माइनस वन, तो बी का वैल्यू हम लोग निकाल लिया माइनस वन। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कॉन्स्टेंट टर्म देखेंगे या एस इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, एस स्क्वायर टू जीरो पुट कर देने से यहाँ पर होगा एल एच एस में थ्री हो जाएगा, यहाँ पर फाइव ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस जीरो बैठाने से, एस जीरो होने से ये टर्म जीरो, ये माइनस वन, तो माइनस सी हो जाएगा, और इस तरह से सी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव ए माइनस थ्री, ए का वैल्यू वहां से वन, वन तो फाइव इंटू वन माइनस थ्री यानी टू, यानी सी का वैल्यू हमारा हो गया टू, और इस तरह से ए बी सी निकल जाएगा। निकल जाने से इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स क्या हो जाएगा ना, दिस एल एच एस इतना गिवन एक्सप्रेशन इतना इज इक्वल टू ए बाय ए के जगह हम लोग लिखेंगे वन बाय, और बी के जगह पर माइनस वन, सी के जगह पर टू, तो बी के जगह पर माइनस वन माने माइनस वन एस, और सी के जगह पर हो जाएगा टू बाई इस,
एउटा और इस तरह से हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे कैसे ना 1 by s minus 1 तो ठीक है और इस एक्सप्रेशन को माइनस कॉमन लेंगे तो s minus 2 यहां पर हो रहा है s square plus 2s s plus 1 whole square plus 4 और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये 1 by s minus 1 और ये हो जाएगा s minus 2 को हम लोग लिखेंगे s plus 1 minus 3 by s plus 1 whole square plus 4 that is 2 square तो ये हो जाएगा 1 by s minus 1 minus s plus 1 by s plus 1 by s plus 1 whole square plus 2 square minus minus plus 3 by s plus 1 whole square plus 2 square. So therefore, the required inverse transform equal to jaga 1 by s minus 1 that is e to the power t ho jaga 1 by s ka hota hai 1 1 by s ka inverse value 1 hota hai aur s minus 1 hai to first principle use karne se e to the power t aur ye ho jaga s by s square plus a square yani ye ho jaga cos 2t ho jaga और प्लस 1 है इसके लिए e to the power minus t into cos 2t हो जाएगा और नेक्स्ट है 3 by यानी 3 plus 3 into ये हो जाएगा sin 2t by 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा e to the power minus t into cos 2t 3 by 2 e to the power minus t into o e to the power minus t into ये s plus 1 है और इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 into e to the power minus t छूट रहा है देखिए 3 चूंकि s के जगह s plus 1 है तो हमारे पास होगा e to the power minus t और ये हो जाएगा 1 by s square plus a square यानी sin 2t by 2 ओके यानी हो जाएगा e to the power t minus e to the power minus t cos 2t plus 3 by 2 e to the power minus t sin 2t थैंक यू उसके बाद हम लोग होमवर्क एक दे देते हैं होमवर्क में हम लोग एक क्वेश्चन लिख देते हैं एस वैल्यू में एक क्वेश्चन कम से कम दे देते हैं ये है क्या ना एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एस 4 प्लस 4a 4 S 4 plus 4 ये कैसे बनेगा S by ये हो जाएगा S square plus 2A square whole square minus 2AB यानि 4AS 2AS whole square और इस तरह से A square minus B square करते हुए S by ये हो जाएगा S square plus 2AS plus 2a square into s square minus 2as plus a square यानी इसको हम लोग sw को हम लोग इसको
Question number 10. Question number 1. S1. S by S4 plus 4A4. This is the polynomial we can get. S square plus 2A square whole square minus 2AB. 2S square into 2A square. This is the polynomial S prime. S square plus 2A square whole square minus 2as whole square, फिर a square minus b square में तोड़ते हैं और इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे s by s square plus 2as plus 2a square whole into s square minus 2as plus 2a square. इस तरह से और इसको हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे s plus b by this factor s square plus 2s plus 2a square और दूसरा होगा cs plus d by s square minus 2s plus 2a square और आगे हम लोग इसे ही multiplying both side by this given expression को हम लोग तोड़ के ये बनाते जाएंगे. ओके आगे इसको सॉल्व करके लाना है और नेक्स्ट डे हम लोग और आगे बढ़ते हैं. ओके थैंक यू.